आज की जो क्लासेस में पीएचपी में हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में जानेंगे। आपको पता है कि फंक्शंस जो है वो सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं, यानी कि हम किसी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं, और ये जो ब्लॉक होते हैं ये अपने आप में, जो कोड होता है इनका, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट होता है और सेपरेट होता है। ऐसे इस ब्लॉक को हम फंक्शन बोलते हैं, और फंक्शन का यूज करने पर हम मल्टीपल टाइम्स इसे एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो रीयूजेबिलिटी भी होती है फंक्शन से, बार बार हम उसको एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दूसरी बात ये कि पीएचपी में यहाँ पर हम देख रहे थे कि फंक्शंस जो है वो हमारा सेपरेटेड इंडिपेंडेंट ब्लॉक ऑफ कोड थे, और उनको हम बार बार यूज कर पा रहे थे। क्लियर है? फंक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्हें कॉल करना होता है। कॉल करना बहुत जरूरी है फंक्शन को, कि उसे एग्जीक्यूट करना है। तो अगर हमें उसे कॉल करेंगे, जितने बार कॉल करेंगे उतने बार एग्जीक्यूट होगा, कॉल नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्लियर है? कॉल करना जरूरी है। फंक्शन के साथ काम करने का तरीका ये होता है कि फंक्शन को कहीं से कॉल किया जाता है, और जिस जहाँ से कॉल किया जाता है वहाँ से कुछ वैल्यूज पास की जाती है इसमें, जिसको आर्ग्यूमेंट्स कहा जाता है या पैरामीटर्स भी कहा जाता है। क्लियर है? आर्ग्यूमेंट्स भी अपने आप में थोड़ा डिटेल्ड एरिया है। आर्ग्यूमेंट्स भी कई टाइप से पास किए जाते हैं। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट होते हैं, बाय रेफरेंस होता है, बाय वैल्यू होता है, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, आर्ग्यूमेंट एज एरे, आर्ग्यूमेंट एज कंस्ट्रक्टर, बहुत सारे मतलब इसमें टॉपिक्स होते हैं, वो अपना अलग एरिया है। फिलहाल हम देखते हैं कि कॉल करते समय उसमें हमें आर्ग्यूमेंट पास करना होता है। आर्ग्यूमेंट की संख्या 0 to n हो सकती है, यानी कि मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास किए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ से वैल्यू जो है वो सिंगल वैल्यू ही रिटर्न होती है, 0 to 1, यानी कि या तो 0 वैल्यू रिटर्न होगी या 1 वैल्यू रिटर्न होगी। तो आइए देखते हैं कि पीएचपी में हम फंक्शंस को कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा था कि फंक्शन जो है वो दो टाइप के होते हैं। फंक्शन हमने देखा कि एक होता है लाइब्रेरी फंक्शन, जिसको इनबिल्ट फंक्शन भी बोलते हैं, प्रिमिटिव फंक्शन भी बोलते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं, और एक होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यानी कि इस फंक्शन को हम लिखते हैं, इसका कोड हम करते हैं। लाइब्रेरी फंक्शन को केवल हम यूज करते हैं, पहले से बने बनाए फंक्शंस होते हैं और इनको हम बनाते हैं स्पेशल टास्क के लिए। चलिए आइए पीएचपी में जंप करते हैं हम, और एक फंक्शन बना करके देख लेते हैं। कुछ वैल्यू रिटर्न करा करके देखेंगे, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स के बारे में देखेंगे, आर्ग्यूमेंट पासिंग के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, और यूजर डिफाइंड फंक्शन को हम समझेंगे पीएचपी में। क्लियर है? चलिए आइए देखते हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन को समझने के पहले एक चीज और जान लें कि पीएचपी में फंक्शन बनाने का सिंटेक्स क्या होता है। तो फंक्शन बनाने का सिंटेक्स है, हमको फंक्शन नाम का एक वर्ड लिखना पड़ता है, कीवर्ड, और फंक्शन कीवर्ड लिखने के बाद हमको फंक्शन का नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दिया सम, और सम के बाद यहाँ ब्रैकेट लगता है, ब्रैकेट के अंदर हमको आर्ग्यूमेंट लिस्ट पास करनी होती है। तो सिंटेक्स में यहाँ पर मैं आर्ग्यूमेंट लिख देता हूँ एंगुलर ब्रैकेट में। एंगुलर ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होंगे कॉमा कॉमा करके, फिर आपकी ब्रैकेट स्टार्ट होती है और ब्रैकेट क्लोज होती है। इसके बीच में फंक्शन की बॉडी यानी कि कोड लिखा जाता है। ये कोड या बॉडी ही डिसाइड करती है कि फंक्शन का बिहेवियर क्या होगा, क्या वर्किंग करेगा। बॉडी की सबसे लास्ट लाइन में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा जाता है, और रिटर्न स्टेटमेंट केवल एक वैल्यू को रिटर्न करता है। क्लियर है? लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट लिखा गया है। याद रखना है कि फंक्शन को डिक्लेयर करना पुराने वर्जन में कंपलसरी नहीं था, और इसको कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फंक्शन का नाम लिखना पड़ता है। तो कहीं पर भी आप फंक्शन का नाम लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ सम, ब्रैकेट लगा के ब्रैकेट बंद कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फंक्शन की कॉलिंग हो जाएगी। क्लियर है? फंक्शन की कॉलिंग हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि फंक्शन में कैसे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, कैसे वैल्यू रिटर्न करते हैं, और आदि ये सारी चीजें हम कैसे करते हैं कोड में देखते हैं। तो चलिए पीएचपी में स्विच करते हैं।
आपको फिर से मैं एक बार जानकारी देना चाहूंगा, हमारे पास यहाँ पर तीन स्क्रीन ओपन की हुई है। मैं फिर से आपको एक जानकारी दे दूं कि तीन स्क्रीन हमारे पास ओपन है। पहली जो स्क्रीन है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जैम्प का कंट्रोल पैनल स्टार्ट है, पीएचपी जो अपाचे सर्वर पर रन हो रहा है, और दोनों की सर्विसेज स्टार्ट कर दी है मैंने। पोर्ट नंबर और प्रोसेस आईडी इसने ले लिए। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेटस दोनों का जो है वो रनिंग स्टेटस में दिख रहा है आपका। दूसरी बात है कि हमारा जैम्प जो है डी ड्राइव में इंस्टॉल्ड है, और ये चूंकि ये सर्वर एक्टिव है इसलिए लोकल होस्ट लिखने पर हमें डैशबोर्ड डिस्प्ले हो रहा है। इसका मतलब कि सर्वर एक्टिव है, और हमने यहाँ पर एक फाइल ओपन कर रखी है जिसका नाम है test2.php, जो कि डी में जैम के अंदर, htdoc के अंदर, साई के अंदर है। तो हम इसको लोड करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे साई और test2.php। तो ये लास्ट किसी प्रोग्राम का आउटपुट है जो कि हमको यहाँ पर दिख रहा है। अब हमको इस आउटपुट को क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले तो हम यहाँ पर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, फॉर्म टैग जो है इसे क्लियर कर दिया मैंने, और हम यहाँ पर UDF यूजर डिफाइंड फंक्शन पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने इसको सेव किया है, और जो आउटपुट वाला एरिया है हम इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं। आपको पता है कि हम यहाँ पर जब रीलोड करेंगे तो हमको आउटपुट यहाँ पर दिखाई देगा विद लोकल होस्ट, आप देख पा रहे हैं। पीएचपी टैग को भी ब्लैंक कर देता हूँ मैं, ताकि एरर जो है वो ना आए। और ये आज का हमारा टॉपिक है यूडीएफ। इसका कलर रेड और फॉन्ट साइज बढ़ा हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि आपको यहाँ पर सीएसएस लगा हुआ दिखेगा, हमने सीएसएस लगाया है। चलिए बॉडी कोड करना चालू करते हैं। पीएचपी की स्क्रिप्ट लिखते हैं फंक्शन बनाने के लिए, क्लियर है। तो आपको पता है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने के लिए हमको फंक्शन नाम का कीवर्ड लिखना होता है, और उसके बाद फंक्शन का नाम लिखना होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, और यहाँ पर हमको जो भी आर्ग्यूमेंट्स पास करने हैं वो हमको लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर आर्ग्यूमेंट लिखा ए और आर्ग्यूमेंट लिखा बी, तो दो आर्ग्यूमेंट हमारे यहाँ पास होंगे। फिलहाल मैं आर्ग्यूमेंट अभी नहीं करता हूँ, यहाँ पर मैं एक फंक्शन बनाता हूँ शो नाम से। पहले विदाउट आर्ग्यूमेंट वाला देख लेते हैं। शो के अंदर मैंने एक लाइन का कोड लिख रहा हूँ, तो मैंने सिर्फ एक लाइन का कोड लिखा, क्लियर है। देखिए पीएचपी स्क्रिप्ट के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया है, उसके अंदर शो लिखा, और जब मैं इसको रन करूंगा, देखिए ये अभी फंक्शन बना तो दिया है लेकिन ये फंक्शन तब तक काम नहीं करेगा जब तक इसको कॉल नहीं किया जाएगा, क्लियर है। तो जब मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ, तो देखिए इस फंक्शन का जो इको आउटपुट है वो हमको यहाँ पर डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने इसको कॉल नहीं किया है। कॉल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शो लिखना होगा, क्लियर है। मैं एक बार जब शो लिखूंगा तो ये फंक्शन की बॉडी जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, इको प्रिंट होगा, इको में लिखा हुआ टेक्स्ट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। देख पा रहे हैं कि अब हमारा आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। अगर मैं दो बार शो लिखूंगा तो फिर ये क्या करेगा, दो बार प्रिंट कर देगा, और बी आर लिख करके आप यहाँ पर इसको नीचे लाइन में ला सकते हैं, क्लियर है। जितने टाइम्स आप मल्टीपल टाइम्स इसको यूज कर सकते हैं, और फंक्शन के अंदर एक लाइन नहीं, आप जितनी भी लाइन लिखना है उतना लिख सकते हैं। ये फंक्शन, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है और ये फंक्शन की कॉलिंग है। आइए देखते हैं कि फंक्शन में आर्ग्यूमेंट कैसे पास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए हमको सिंपल यहाँ लिखना होगा जितने आर्ग्यूमेंट्स आपको लेने हैं। मान लीजिए यहाँ पर आपको दो आर्ग्यूमेंट्स लेने हैं, क्लियर है। तो यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट्स मैंने लिया और इसका नाम रख दिया मैंने सम। दो आर्ग्यूमेंट्स लेने के बाद डॉलर सी, और इसमें मैंने मुझे क्या कराना है, डॉलर ए प्लस डॉलर दोनों को सम करा देना चाहता हूं, और यहां प्रिंट नहीं करना चाहता बल्कि मैं रिटर्न करना चाहता हूं। तो यहां पर रिटर्न स्टेटमेंट भी आप देख पा रहे हैं कि, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं जब यह एक वेरिएबल बनाता हूं डॉलर एक्स इक्वल टू सम, और यहां पर मैं वैल्यू दे दिया 3.5, और यहां पर हम लिखेंगे इको डॉलर एक्स। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एक फंक्शन बना है, ये इस फंक्शन में
यहाँ पर फंक्शन की कॉलिंग की जा रही है, ये फंक्शन की कॉलिंग है और थ्री वाली जो वैल्यू है वो जा रही है ए में, फाइव वाली वैल्यू जा रही है बी में, और यहाँ पर आ गया है थ्री, यहाँ आ गया है फाइव, दोनों को ऐड करेंगे तो एक्स सी में क्या जा रहा है एट, और ये एट वाली वैल्यू जो है वो रिटर्न कर दी गई है, वो रिटर्न होके कहाँ पर आ रही है एट वैल्यू एक्स में, और x को जब प्रिंट किया जा रहा है तो आउटपुट में मेरा क्या आएगा 8। क्लियर है? तो ये फंक्शन की कॉलिंग का फ्लो है। इस फंक्शन कॉलिंग में आप देख पा रहे हैं कि ये आर्गुमेंट पासिंग हो रही है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है और वैल्यू रिटर्न किया जा रहा है। सारा का सारा फीचर एक ही प्रोग्राम में आपको देखने के लिए मिल रहा है। तो सम फंक्शन में मैं दो आर्गुमेंट पास कर रहा हूँ और वो एक वैल्यू मुझे रिटर्न कर दे रहा है, मैं उसको प्रिंट कर दे रहा हूँ। यहाँ पर बहुत छोटा सा काम हो रहा है, बट हम बड़े बड़े काम भी करा सकते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर तो एग्जीक्यूट कराते हैं। तो जब मैं सेव करके लोड करूंगा तो यहाँ पर आउटपुट देखने के लिए मिलेगा आपको 8। ये जो 8 आउटपुट आया है वो एक्चुअली फंक्शन के थ्रू आया है, इसकी वर्किंग मैंने बताई। अब यहाँ पर मैंने इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ, 12 कर देता हूँ, और जब सेव करूँगा तो 12 प्लस 5 यानी कि 17 आपका आउटपुट आएगा। क्लियर है? तो ये हमने देखा यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स, सिर्फ फंक्शन को कैसे बनाते हैं, फंक्शन का नाम कैसे डिसाइड किया जाता है वैलिड आइडेंटिफायर की तरह, फंक्शन की आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन में वैल्यूज कैसे रिटर्न की जाती है। तो ये था फंक्शन का सिंटेक्स, आर्ग्यूमेंट पासिंग। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको बन के आ रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन बताइए, उनमें आर्ग्यूमेंट्स कैसे पास करते हैं ये बताइए, उनमें वैल्यूज कैसे रिटर्न कराई जाती है ये बताइए। अब एक नया चीज देखते हैं हम, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या होता है? अगर मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट कर देता हूँ, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि पहले एक जानकारी लेंगे हम लोग। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट आपने देखा होगा कि कई ऐसे फंक्शंस होते हैं, जैसे मैं लाइब्रेरी फंक्शन की बात करूं, आप जैसे कि एक एग्जांपल मैं दे रहा हूं आपको लाइब्रेरी फंक्शन का, जैसे आप सी लैंग्वेज की बात करेंगे तो उसमें प्रिंट एफ नाम का एक फंक्शन होता है। प्रिंट एफ फंक्शन में आप देखिए यहाँ पर आप कितने भी आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सबसे पहला है परसेंट डी और फिर परसेंट डी परसेंट डी परसेंट डी, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि मैंने कई सारे आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पर दे दिए। प्रिंट एफ में आर्ग्यूमेंट की संख्या, जैसे मैंने ये पहला आर्ग्यूमेंट दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा है, अभी चार आर्ग्यूमेंट्स हैं। मैं कभी ऐसा आर्ग्यूमेंट भी दूंगा, यहाँ पर तीन होंगे, मैं कभी ऐसा भी दूंगा। तो इनके अंदर जो है आर्ग्यूमेंट्स की संख्या जो है वो बदलते रहती है, फिक्स नहीं होती है। फिक्स नहीं होने की वजह से क्या होता है, इसको हम फिक्स नहीं, मतलब ऐसा किया गया है कि ये फिक्स नहीं होती है इनकी संख्या। ऐसे फंक्शंस को भी हम बना सकते हैं, और जब मैं चाहूँ कि यहाँ पर मेरा जो सम फंक्शन है उसमें दो आर्ग्यूमेंट देना होता है, तो अगर मैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट नहीं करता हूँ, अब मैंने डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट सेट नहीं किया है और यहाँ पर मैं सम के अंदर अगर इसको 5 ले लेता हूँ, सिर्फ एक ही वैल्यू देता हूँ, दो वैल्यू नहीं दूंगा, तो वो एरर जनरेट करेगा। आप देखोगे यहाँ पर कि ये एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि इसको सम करने के लिए दो वैल्यूज चाहिए। मैंने एक वैल्यू दिया 5, तो वो दूसरा वैल्यू 0 खुद ब खुद नहीं लिया यहाँ पर, हालांकि उसको 5 और 0 ले लेना था और आउटपुट में 5 दे देना था, लेकिन यहाँ पर दो वैल्यू देना पड़ेगा हमको, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं है, दो वैल्यू बोल दिया गया तो दो वैल्यू लेगा, भले ही 5 और 0 ऐसा देना पड़े और उसके बाद वो मुझे 5 आउटपुट दे। क्लियर है? लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब मैं पहला वाला 5 ले लूँ तो सेकेंड वाला ना दूं,
तो बाय डिफॉल्ट दोनों, बाय डिफॉल्ट सेकंड वाले को क्या ले ले, वो जीरो ले ले, तो इसकी डिफॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ पर हमेशा याद रखना है डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट को पीछे लास्ट में लिखना है आपको, क्लियर है। तो अगर मैं यहाँ पर 5 और 7 देता हूँ तो बी की वैल्यू 7 होगी, जब मैं 5 और 7 दूंगा तो इस बी की वैल्यू 7 हो जाएगी, क्लियर है, और ए की वैल्यू हो जाएगी 5, क्लियर है। तो 7 और 5 कितना होगा आपका 13, तो आउटपुट हमें आएगा आपका 13। तो जब मैं इसको सेव करके रन कराने जाऊंगा तो आपको आउटपुट मिलेगा 13, मैंने सेव कराया और आउटपुट मिला आपका, सॉरी 12 होगा, मैंने कैलकुलेशन गलत कर दी, आपका आउटपुट क्या होगा 12। जबकि अगर मैं ये वाली वैल्यू नहीं देता हूँ, सेकेंड वाली वैल्यू नहीं देता हूँ, तो वो बाय डिफॉल्ट सेकेंड वाली वैल्यू क्या मानेगा, जीरो मानेगा, और आपका आउटपुट आएगा 0+5 यानी कि 5। जब मैं इसको लोड करूंगा तो आपका आउटपुट आ रहा है 5। ऐसी कंडीशन में मैं एक आर्गुमेंट भी पास कर सकता हूँ, दो भी पास कर सकता हूँ, मतलब मेरे पास चॉइस है कि मैं दो मल्टीपल, मतलब जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट की जरूरत नहीं है, सॉरी जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट की जरूरत है उससे कम आर्गुमेंट्स भी पास कर सकते हैं, और कम आर्गुमेंट्स पास करने पर जो सेकंड वाली वैल्यू है उसकी डिफॉल्ट वैल्यूज को लेकर के कैलकुलेट किया जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू 50 सेट कर देता हूँ, तो आप 5 दोगे तो 5 क्या होगा, यहाँ पर जाएगा 5, और सेकंड वाली वैल्यू क्या होगी 50, तो टोटल क्या आएगा आउटपुट आपका 55, क्लियर है। फिर डिफॉल्ट वैल्यू ले लिया, इसको डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जो कि लास्ट में सेट किया जाता है। ऐसे जब मैं अब रन करूंगा तो क्या आउटपुट आया 55, लेकिन जब मैं दूसरी वैल्यू यहाँ पर ले लेता हूँ तो 12 आउटपुट आएगा मेरा, जब डिफॉल्ट वैल्यू को वो कैलकुलेट नहीं करेगा। तो ऐसी स्थिति में मैं नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स जो है कम भी पास करता हूँ तो मुझे वहाँ पर आउटपुट मिल जाएगा, क्लियर है। इसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट के लिए एक ऑप्शन है आपके पास कि एक मतलब रिस्ट्रिक्शन है कि आपको इसको लास्ट में ही लिखना है, क्लियर है। तो आपको आर्ग्यूमेंट लिस्ट के लास्ट में लिखना है, क्योंकि फर्स्ट में लिखोगे तो ये इसका जो सीक्वेंस है इस सीक्वेंस से मैच खाता है, तो आप यहाँ पर इसको गायब करोगे तो लास्ट वाला जो है वो वैल्यू लेगा। आज के टॉपिक में हमने फंक्शंस के बारे में देखा, यूजर डिफाइंड फंक्शंस PHP के बारे में, इसका सिंटेक्स बिल्कुल मिलता जुलता आपको मिलेगा। इसमें भी वो सारे फीचर्स, रिकर्शन, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट पासिंग, वैल्यूज रिटर्न, सेल्फ की जो कॉलिंग होती है वो सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सेम मिलेगी जावास्क्रिप्ट, जावा, C++ और सी से, पूरा लगभग पूरा स्ट्रक्चर मिलता जुलता है इससे। इसमें किसी को कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं।